पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी छात्र संघ चुनाव जीतने के बाद में पहली बार बाड़मेर कल पहुंचे। इस दौरान जोधपुर से लेकर बाड़मेर तक जबरदस्त तरीके से स्वागत हुआ। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है रविंद्र सिंह जी। जिस तरीके का ये चुनाव रहा, आप 2013 से यूनिवर्सिटी में हैं, उसके बाद से आपने बहुत सारे चुनाव देखे, 2019 का भी चुनाव था, 2022 के चुनाव में क्या कुछ अलग था इस बार, क्या नए चैलेंजेस थे? दिनेश जी, इस बार अलग है तो कि प्रदेश की सरकार चुनाव लड़ती, कोई पॉलिटिकल पार्टी सामने चुनाव कौन लड़ती, प्रदेश की सरकार और उगर मीना बैठोड़ा जो लोग है, महाराज को राजस्थान रा युवराज है, वो खुद आए चुनाव लड़ता था। तो यह चुनाव अपने आप ही अलग हुआ, यह चुनाव छात्रा रो चुनाव नहीं हुए, कई दिन के सरकार रो चुनाव हुआ था। आम छात्र जो दूर दराज क्षेत्र में आवे और वोट करना है, वो ना कई दिन के आप हक में ना लारे राखने वास्ते सरकार आप रो मशीनरी रो पूरे तरीके में दुरुपयोग करो। मैं मारे जिंदगी में ना 2013 में ले आज तक कई सारा चुनाव देखा, बड़ी नज़दीकी में देखा, मैं खुद भी चुनाव लड़े, पर यह चुनाव जो को तो सबों अलग है। तो क्योंकि मैं पहली बार देखियो कि प्रदेश की सरकार ये स्तर तक ये रिमीना इन्वॉल्व रही जी। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से ये चुनाव था उसके लिए आप तैयारी कर रहे थे, सबसे पहला टास्क था आपके लिए मोती सिंह, जिस तरीके से चुनाव निर्दलीय लड़ रहा था, और उसके बाद में आपने अरविंद सिंह को SFI से टिकट क्यों दिलाया, लोग ये भी जानना चाहते हैं। सबों बड़ी चीज़ की मोती सिंह परिवार का सदस्य है और परिवार रमीना हाँ मैं सब एक था, घर रमीना सब चीज़ें होते रहे, पर चुनाव पहली सब एक जाजम माथे बैठनू वाकई एक बड़ी चीज़ है। और रही बात SFI रे चुनाव री, भाई अरविंद सिंह रो मन तो कि SFI ना पे भेड़ी लिया और आप पे अगर चुनाव लड़ा तो की स्थिति है, तो आप लियो, मैं तो निर्दलीय हाँ, मैं तो कह रो ही सपोर्ट कर सका, आप तो जो मजबूत वाकई लागे जो को छात्र तुम्हारे वास्ते लड़ सके, उमरी बात कर सके, उम्र वास्ते तुम्हारा रहनू है। भाई अरविंद सिंह माना लगा कि वाकई स्टूडेंट्स वास्ते जो को बात रखनी हुई ना मजबूती रख सके, माँ उम्र सहयोग कर। क्या अरविंद सिंह अगर जी NSA से टिकट लाते तो आप उसका भी प्रचार प्रसार करते, उसी का सपोर्ट करते? देखो परिस्थितियां अलग अलग होया करें, ये बारी स्थिति अगर वो बनती तो उसी टाइम आप निर्णय लेता कि अपन की करना चाहिए, और परिस्थितियां अलग बनी, जो को टिकट है तो जो को अरविंद सिंह फाइनल हुआ एन मूवमेंट माथे कटनो, प्रदेश की सरकार थोड़ा लोग एकदम इतने लेवल तक इंटरफेयर करनो और हाथों हाथ टिकट चेंज करनो, परिस्थितियां बदलती रहा करें, परिस्थितियां तय कोनी हुए कि कहाँ करे है नहीं था कोने की काले तारीख रही ना काले दिन में की उसे, तो आप जिक परिस्थितियां बढ़े निर्णय वो टाइम लीजिए। आपके निशाने पर इस चुनाव के दौरान सीधे के सीधे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत थे, ऐसा क्यों? क्योंकि आपने सारा चुनाव का डाइवर्जन रविंद्र सिंह वर्सेस वैभव गहलोत कर दिया, ऐसा क्यों आप उसके उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? कल भी आप भाषण दे रहे थे तो सीधे तौर पर कह रहे थे कि भाई मुख्यमंत्री बना दिया, RCA का अध्यक्ष बना दिया, फिर भी छात्र संघ चुनाव, ऐसा क्यों? देखो साहब, आज तक आप कभी देखियो कि कोई RCA रो चेयरमैन या जो कोई स्टेट रमीना जो कोई बड़ी बड़े स्तर की पॉलिटिक्स करे, वो कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज री पॉलिटिक्स रमीना इन्वॉल्व हो? आप देखियो मैं तुम्हारे जीवन कौन देखियो, वो तो प्रदेश की सरकार आज को भी है लोग जकर अबरथा ना लियो है, यह सब कमिश्नर ने कलेक्टर ने और जितना भी सरकारी नुमाइंदा था वह सबा ने पर्सनली फोन कर कर कहा कि भैया कैसे भी हो ये छोरा जीतना चाहिए, जो हमारा ऑपोजिट कैंडिडेट कैसे भी करके इस रविंद्र को इस अरविंद को हराओ। आप सोचो कि रातों रात बूथ चेंज होना, महाराज जितना भी गाड़ियां आते सारे सीज हो जाने, कार्यालय सब महाराज जितना भी छात्र संघ का कार्यालय था जिसको सारा एकदम ही लॉक हो जाना, कोई छोटी चीज़ें को नहीं है। आप देखो कि ABP रो जो को प्रत्याशी है तो वो नॉमिनेशन खारिज रहे वास्ते यहाँ रात दिन मेहनत कर ली, मतलब एक दो प्रोफेसर रहता जो को ऑब्जर्वर रहता वो आँखों में पानी काटे हमारे आगे सब ई स्तर महामत प्रेसर है। एक क्यों आप उस गली गली में ना फिरो पड़े, एक एक पार्षद में मिलो पड़े, एक एक विधायक ना अलग अलग जिम्मेदारी दीनी लिस्टा दीनी, यहाँ लगते तो कि जाने वापस लोकसभा रो चुनाव आयो, ये चुनाव रे मीना इतना इन्वॉल्व होने जरूरत की रहती। अगर वाकई आप ना अगर छात्र राजनीति करनी तो स्वागत है आप, और आप पे आमा सामा चुनाव लड़ ला, दिक्कत कहीं थी छात्र राजनीति शौक है तो है ना, और आगे भी अगर जरूरत पड़ेगी तो कर ले, हाँ दो दो हाथ में कोई दिक्कत को नहीं, और होना भी चाहिए। बात है कि छात्र राजनीति ना छात्रारी राजनीति तक ही सीमित रखो, वो ना बड़े स्तर मत मत टाणो, अगर वाकई थे चाहो कि माना करना ही जे स्वागत, राजनीति लोकतंत्र है ये खूबसूरती। सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़े कमेंट आते हैं जब भी आपकी पोस्ट करते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी जातिवाद फैला रहे हैं, क्या इसमें सच्चाई है? देखो साहब, जब देखो कोई स्टूडेंट आयो तो उरी बात
राखनो मारो कर्तव्य तो मैं राखी। वो जो विश्वविद्यालय जमीन हती वो न मारी हती न आपरी हती, वो विश्वविद्यालय रहती। वो के जातिवाद के स्टूडेंट री फीस नो मामलो हतो तो स्टूडेंट हतो, न को वी री जाति आगे आई। और रही बात दूसरी, जितना भी कर्मचारी हता जो पेंशनर हता जिकर वास्ते 15 दिन जेल गयो, जिकर वास्ते भूख हड़ताल मत बैठो, उमर तुम्हें कद जाति कौन पूछे। लोग की है कि बोखला युड़ा है, हाल ना पचा नहीं पा रहा है, तो वो की करी करे मोब ना एक डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे, पर आप ना बिठाए मोब डाइवर्ट हुआ है कौन। यहाँ भाइयों रो प्रेम में भेड़ो है, 36 कौम रही युवा में भेड़ा है। आप ना बताने चाहूँ कि 5100 वोट आया भाई अरविंद सिंह ने, 5100% वोट भाई अरविंद सिंह रे खाते में आया है। 36 कौम रे युवाओं रो साथ और सहयोग है, तो केत न केत कमजोर करने का प्रयास है, पर वह साजिश फैल पहली हो चुकी है। हमें यहाँ है कि तेरी राजनीति नहीं चले तो मारो नाम ले ले कर लो, होने भी चाहिए। मारवाड़ी में एक शब्द है जिसका बार बार प्रयोग कर रहे हैं, भची भची हवी, इस तरीके के। और दूसरा, जो जब आप जीत के बाद जश्न मना रहे थे, इस तरीके से एक जीत का साइनिंग दे रहे थे, कल भी दिया, क्या कुछ इसका मायना है? सब हूँ पिल कबड्डी रूप सॉरी कुश्ती रूप ले रहा तो ये तो आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ते, तो वो समय में ना एक है कुश्ती रहा दाव पेच है, तो राजनीति रे में ना भी आऊँ पद से थोड़ा घना जो स्पोर्ट्स जो पेल रहा है चीज़ा है वो तो याद तो रही है। और रही बात बीजी बचीर तो इंजी बोल ही क्या किसके था नहीं ठा है, जनता नहीं ठा है, आप देखने वाला दर्शक नहीं ठा है। अगर ठारे ठारे बेटा तो हो सकता तो बच जाता, पर बड़बड़ तिखाऊंड चक्कर में मांडो तो बड़ी है। इस चुनाव का 2023 विधानसभा चुनाव पे क्या कुछ असर होने वाला है? छात्र राजनीति है सर, और छात्रा तक की रहनी चाहिए। 2023 रही कल्पना छात्र राजनीति रे समकक्ष देख नहीं करनी चाहिए। आपने प्रयास करना चाहिए, आपने मेहनत करनी चाहिए, तय करने लिए जनता जनार्दन है, आप ए निर्णय जनता माथे छोड़ो तो ठीक है। आज से रविंद्र सिंह भाटी का सिर्फ विधानसभा मिशन शुरू हो रहा है, इस तरीके की सोशल मीडिया पर पोस्ट चल रही है, आप जीतने के बाद में पहली बार इस तरीके से जा रहे काफिले के साथ में, अरविंद सिंह के साथ में, क्या कुछ अभिव्यक्ति राजा दी है? सोशल मीडिया में तो कोई कहीं भी लिख सके। रही बात दूसरी, हमारे परिवार है, हमारा घर है, हमारा गाँव है, तो हूँ हमारे गाँव तो जाइए कोई बैठे को। क्या कुछ अब जैसे आप, मैंने आपका 2019 में इंटरव्यू किया था, जब आप फर्स्ट टाइम जीत के आए थे तो आपने बोला था कि आगे आगे गोरख जागे, तो नाउ अब छात्र राजनीति का तो एक एपिसोड पूरा हो गया, अब किस तरीके से आप आगे भविष्य के बारे में सोचते हैं? लोग क्योंकि लोग बहुत सीधे सीधा सवाल है, क्या आप से विधानसभा से चुनाव लड़ना की तैयारी आपने शुरू कर दी है, हाँ या ना, इतना जानना चाहिए। आगे आगे गोरख जागे, जो को भी ना मंजूर उसे ओ उसे मना तो ठाई को नहीं, क्योंकि ये छात्र राजनीति में ना, ये छात्र संग्रह चुनाव रे मिना वहाँ सभा ना ये प्रकार लागू पड़े, इतनी मेहनत करनी पड़े, सभा ना बेड़ा लेना पड़े, या जो भी परिस्थितियाँ बनी ठीक है लोग हमारे हाथ में आती बनती गई। आप सब साथियों और सहयोग रहे, 36 कौन रहे युवाओं और सहयोग रहे, और सब चीज़ें बढ़िया तरीके की आगे भी अगर वो ना मंजूर उसे तो सब चीज़ें बढ़िया तरीके। पार्टी कौन सी अच्छी है, बीजेपी या कांग्रेस? दोनों ही बढ़िया है आपके हिसाब से? दोनों ही बढ़िया, निर्दलीय हूँ। नहीं आपकी विचारधारा, क्योंकि आपने आप देखो ना इस बात को, आपने SFI से चुनाव लड़के, क्योंकि आपकी पसंद या आपका बैकग्राउंड अगर जो देखा जाए तो ABP का है, BJP का है, तो आपने SFI से चुनाव लड़के आपने एक तरीके से BJP के लिए जो आपके जो रास्ते थे बंद हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, न कभी रास्ते खुलते हैं न बंद होते हैं, लोगों रो कहने रो तरीको है, सोचने रो तरीको है या कहीं। SFI रो मैं समर्थन करियो, क्योंकि SFI एक मजबूत दावेदार ना, मजबूत उम्मीदवार ना टिकट दे। अगर ABP और NSA देती तो बिल्कुल उम्र बेड़ो खड़ो रहते, पर मजबूती हूँ खड़ो रहते। सब कारण है कि छात्र राजनीति रे मीना जो कुछ छात्र जो बात ना मजबूती हूँ राख सके, आगे तक ले जा सके, मैंने वही रो सहयोग करना। मैं 2013 में ले आज तक भाई अरविंद सिंह ने ओखा, मैं हॉस्टल रे मीना भेड़ा रहा, वे आदमी रे किरदार मीना पूरे तरीके में वाकिफ हूँ, तो मैंने लागू कि वाकई ये आदमी है जो कि स्टूडेंट्स की बात ना आगे तक मजबूती रख सके, जब उम्र भेड़ो रहे हो और खुले छपती रहे, कोई इब्बत है ही कौन, लाग लपेट की बात। BJP से कोई बातचीत चल रही है आपकी आने की एंट्री को लेकर, या आला जैसे दिल्ली तक ऐसा सुनने में आ रहा है कि आप कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से आपकी BJP में एंट्री हो जाए और 2023 का विधानसभा चुनाव, इस बात में कोई सच्चाई है या ये सब हवा है? साहब हूँ तो मैं ठाक होनी है, एडी बात कौन करे, और बढ़िया है करे जो को हमारे फ्री में मार्केटिंग कर रहे हैं, ये मैंने कोई इब्बत कौन है। वर्तमान में मीना छात्र संघ का चुनाव चलता और हूँ पूरे तरीके में इन्वॉल्व, तो भाई अरविंद सिंह चुनाव लड़ता, मैं खुद चुनाव लड़ता, मैं खुद अरविंद सिंह बड़े काम करता, तो मारो अबार तक तो फोकस हो था, तो हमें आप सब और बाड़मेरा जो वासी माना प्रेम दे पड़ा,
भाई ये ना देखा पड़ा, ससम्मान ये प्रेम ना लिया पड़ा, बाकी सब चीज़ा राजनीति भी जी है तो एपिसोड चलता रहा करे, और एड़ो कई सारे चीज़ा है जो अफवाहें होया करे और चलती भी रहनी चाहिए। कल जो आपका स्वागत हुआ बाड़मेर के अंदर, वहाँ पर कहीं ना कहीं एक बात देखी कि राजपूत समाज के जो बड़े लीडर्स थे, चाहे वो समाज के सोसाइटी के बड़े लीडर्स थे, उन सब ने आपके कार्यक्रम से किनारा कर दिया। बनिस्पत आप 2019 में आए थे तब आपका सबने स्वागत किया था, क्या आपकी लोकप्रियता से लोग, आपके समाज के लोग या इस तरीके से बड़े बुजुर्ग इस तरीके से जो डरे हुए हैं, या उन पर पार्टी का प्रेशर था? देखिए सर, वो हमारे परिवार सदस्य है, काले रु कार्यक्रम 4 बजे रु कार्यक्रम तो मैं रात 10 बजे तक पहुँची, और बड़ा बुजुर्ग है हमारे परिवार रहा है, वो हमेशा बेड़ा हता और है, आज भी है, आगे भी रहे है, और मैं उम्र बताए रस्ते रे माता चला, ये मैंने कोई डाउट को नहीं। कार्यक्रम रे शॉर्टेज वजह में ना कई सारा लोग आता जिसको हमने फ़ोन भी आया पर्सनली की, तो मैं उन्होंने कहूँ मैं भीड़ बड़ा को है, मोटियार खासा है, आप आशीर्वाद लेने हूँ घरे हाजिर हुई और आप आराम में ना सामान आप पधारो, क्योंकि 4 बजे का टाइम मेरे 10 बजे ज़्यादा पहुँचा तो कई दिन के 6 घंटा दौरान में ना कई सारे चीज़ें होया करें, तो सब परिवार सदस्य है, सब बड़ा है और सब हमेशा भेड़ा आता है, इसीलिए आपकी लोकप्रियता से डरते भी है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई प्रेम है और कोई डर को नहीं है, घर रहा आदमी तो उल्टा राजी हुए कि कद कोई छोटा टाबर जब कोई घर में ना कहीं कहाँ ठीक करे तो वो ना शोभा करे, तो मैं लाड प्रेम मिला, आप देखे हुए लगभग सब लोग होता था, मैं ना कौन लागू कि कोई बाहर रहता, सब मीन आता सब भेड़ा। सच्चाई ये तो आप ही जानते हैं, आप भी जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं, सब जानते हैं, सब साथ में थे हैं। और अशोक गहलोत सरकार का 4 साल का कार्यकाल, क्या कुछ उनके बारे में कमेंट है, कैसा रहा कार्यकाल, क्या कुछ सोचते हैं? कई सारी चीज़ें बढ़िया थी और कई सारी चीज़ें खराब थी, देखो सही ना सही कहना चाहिए, गलत ना गलत कहना चाहिए, जो कर्मचारियों ने पेंशन आलू है बहुत बढ़िया करियो, वहाँ रेस्टोरेंट्स वास्ते जो एग्जाम प्रमोट वाला मुद्दा था बहुत बढ़िया करियो, चाहे धन्यवाद दे आयो, और कई बार जो नकल जेड़ा प्रकरण मैं सुना, जो आए दिन सांप्रदायिक घटना हो रही है उन्होंने ले रूँ केतन के प्रदेश सरकार ने कटघरे में खड़ो कर खड़ा करा और खुले हुए बोलने भी चाहिए, आप युवा हाँ लगभग और मैं मोटी हर जद बात कौन करा ये चीज़ रमाते हैं तो करे लगो, तो जो सही है और गलत है जो गलत। वर्तमान राजनीति में आपके आइडियल नेता कौन है, जैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कोई और, वर्तमान भगत सिंह वर्तमान में मैंने पूछा, वर्तमान में मीना सब भला है, आपो आप किरदार मीना सब आपो आप काम करे पड़े, और हूँ छात्र राजनीति में निकली हूँ और छात्र राजनीति रे कई सारे एड़ा लोग है जो ये निकले गया है, वो सब हमारा आदर्श है आइडियल है, और मैं महात्मा गांधी ना भी माना, मैं विवेकानंद जी ना भी माना। मोदी जी के बारे में क्या कुछ ख्याल है, उनका कार्यकाल कैसा? प्रधानमंत्री है, बढ़िया कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं, अशोक जी भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, हमारे तो दोनों ही जनता आपको लग रहा है डिप्लोमेटिक, पर सब चीज़ें जो है स्पष्ट तो करनी चाहिए, एक तरफा झुकाव कभी रहना भी नहीं चाहिए, जिसकी जो सही है वो कहना भी अच्छा, चाहिए। आखिरी सवाल, सचिन पायलट के बारे में आप क्या कुछ सोचते हो, कैसे नेता है? यूथ लीडर है, बढ़िया है, अच्छे नेता है, पूर्व उप मुख्यमंत्री है, बढ़िया कर रहे हैं, उनको शुभकामनाएं। ये थे रविंद्र सिंह भाटी, जिन्होंने 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ भी साफ नहीं किया, लेकिन इशारों स्वरों में साफ कह दिया कि वो आने वाले दिनों में बाड़मेर की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।